हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी बोसारी बायोटेक लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो Q2 का रिजल्ट आया है 21 तारीख को, उसमें इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है और उसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर में ये जो कंपनी ने रिजल्ट जारी किया है उसमें कितना इसका नेट प्रॉफिट रहा है, कितना इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है, या फिर इसमें भी ये भी देखने का हम प्रयास करेंगे कि इसने जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाया है उसमें कितना इसने रिवेन्यू दिखाया है। और ये हम जो देखने का प्रयास करेंगे इसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो जो सारी बायोटेक लिमिटेड शेयर है, इसका जो रिजल्ट आया है फिलहाल 21 अक्टूबर को निकल के आया है। और इस रिजल्ट में हम देखने वाले हैं कॉन्सोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है किसी भी कंपनी को उसका, क्योंकि इसमें जो भी अदर सब्सिडरीज कंपनी होती हैं उनका भी रिजल्ट इसमें शामिल करके और फिर इस रिजल्ट को निकाला जाता है। साथ ही साथ जो स्टैंड अलोन रिजल्ट होता है उसको भी ब्रीफ करके इसमें अपडेट कर दिया गया रहता है। तो इसीलिए हम इसमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर इसका रिजल्ट कैसा रहा है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो स्टेटमेंट है वो कंसोलिडेटेड है और ये इसमें आप देख रहे हो जो ये जो सेगमेंट है वो सितंबर माह का सेगमेंट है 2023 का, और ये जो सेगमेंट है पिछले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर का सेगमेंट है, और ये पिछले साल सेम सितंबर माह का यानी सितंबर 2022 का सेगमेंट फिलहाल इसमें दिखाई दे रहा है। और इनसे संबंधित जो भी डेटा है वो सारे इन्हीं के सेगमेंट में आप दिखाई दे रहे हैं और ये सारे के सारे मिलियन में दिए गए हैं। सबसे पहले अगर बात करें इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात जो इसका मेन बिजनेस है जिससे ये रिवेन्यू प्राप्त करती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है वो सितंबर 2023 में जहाँ 4834 मिलियन का रहा है, वहीं अगर हम सेम क्वार्टर सितंबर 2022 की बात करें तो 4254 मिलियन का रहा था, और जबकि जून क्वार्टर 2023 की बात करें तो वो उसमें 4106 मिलियन का रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो इसका रिवेन्यू फ्राम ऑपरेशन रहा है ये न केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रहा है बल्कि ईयर ऑन ईयर में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। अब हम यहीं पे अगर बात कर लें इसके टोटल इनकम की, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो टोटल इनकम फिलहाल दिखाई दे रहा है वो 4848 मिलियन का दिखाई दे रहा है जो कि सितंबर 2023 का है, और अगर सितंबर 2022 की बात करें तो 4262 मिलियन का रहा था, और जून 2023 की बात करें उसके क्वार्टर की तो 4137 मिलियन का रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसके जो टोटल इनकम है उसमें न केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है बल्कि ईयर ऑन ईयर में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी ने अपने जो मेन बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है और जो टोटल इनकम है उसको बढ़ाने के लिए इसने अच्छे खासे प्रयास किए हैं। अगर बात करें इसके टोटल जो एक्सपेंस है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो टोटल एक्सपेंस फिलहाल दिखाई दे रहा है सितंबर क्वार्टर के महीने में 2023 में वो 4400 मिलियन का दिखाई दे रहा है, जबकि सेम क्वार्टर यानी अगर हम बात करें सितंबर 2022 में तो वो 3927 मिलियन का था, जबकि अगर जून क्वार्टर 2023 की बात करें तो ये 3732 मिलियन का था। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके जो टोटल एक्सपेंस है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है ईयर, साथ ही साथ क्वार्टर क्वार्टर में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि इसके जो टोटल इनकम है उसमें भी न केवल ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा वृद्धि दिखाई दे रहा है बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा खासा वृद्धि दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके एक्सपेंस में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है जिसका प्रभाव हम आगे जो इसका प्रॉफिट होगा उसका जो नेट प्रॉफिट होगा उन सब पे देखने को मिलेगा। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है वो 448 मिलियन का दिखाई दे रहा है, अर्थात एक तरीके से कहा जाए तो 45 करोड़ का टोटल इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है। अगर वहीं अगर हम बात करें सेम क्वार्टर 2022 की यानी सितंबर 2022 की तो ये 336 मिलियन का इसका टोटल प्रॉफिट हुआ था, जबकि जून क्वार्टर 2023 की बात करें तो 394 मिलियन का टोटल प्रॉफिट हुआ था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसमें न केवल ईयर ऑन ईयर में भी अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है जब 112 मिलियन का, बल्कि इसके क्वार्टर
क्वार्टर में भी ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है, एक लगभग 50 मिलियन का। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेस पे तो अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया ही है, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छा खासा इसने रिटर्न निकाल के दिया है। अब हम अगर बात करें यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, अर्थात इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड जिसे हम बोलते हैं, ये नेट प्रॉफिट जो होता है इसमें टैक्स और साथ ही साथ अदर जो चीज़ें होती हैं जिसपे एक्सपेंस हुआ रहता है, उन सबको घटाने के बाद जो वास्तविक प्रॉफिट निकल के आता है उसे ही प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट बोला जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो ये टोटल रहा है 329 मिलियन का, और जो पिछले सेम क्वार्टर की बात करें तो ये रहा था 239 मिलियन का, जो अर्थात इसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे आप देख रहे हैं कि 239 से बढ़ के ये 329 मिलियन पे पहुंच गया है। और साथ ही साथ अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो ये 292 मिलियन से बढ़ के 329 मिलियन पे पहुँच गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसमें न केवल इसके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा वृद्धि दिखाई दे रहा है, बल्कि ईयर ऑन ईयर में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आ रहा है। तो हम अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो अर्निंग पर शेयर रहा है फिलहाल 5.97 के आसपास दिखाई दे रहा है सितंबर 2023 के क्वार्टर में, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में की बात करें अर्थात सितंबर 2022 की, तो 4.34 के आसपास था। अर्थात इसमें आप देख रहे हैं कि जो इसका अच्छा खासा इसमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है इसके अर्निंग पर शेयर में। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर की बात करें तो इसमें भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है और 5.29 से बढ़ के 5.97 पे पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर इस अगर रिजल्ट की बात करें तो ये रिजल्ट फिलहाल सुपर डुपर रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जो कि न केवल अपने अच्छे खासे परफॉर्मेंस के साथ जो अपना एस्टिमेट है उसको बीट किया है, बल्कि इसने ईयर ऑन ईयर पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया ही है, साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। और यही सब जो ये ग्रोथ दिखाया है इसका जो अगर ओवरव्यू देखें तो इसका अर्निंग पर शेयर में भी दिखाई दे रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी बढ़ा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो न केवल पिछले क्वार्टर की तुलना में अच्छा खासा वृद्धि दिखा रहा है, बल्कि ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छा खासा वृद्धि दिखा रहा है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो परफॉर्मेंस रहा है Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 का वो ज़बरदस्त रहा है। और अगर हम इसे स्टार के रूप में अगर दें तो इसमें 5 में से 4 स्टार दिया जा सकता है, और 1 स्टार इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये जो कंपनी है अपने एक्सपेंस को फिलहाल अभी कंट्रोल उतना नहीं कर पाई है, और ईयर ऑन ईयर के साथ साथ क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा इसमें वृद्धि दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये अपने एक्सपेंस को अगर कंट्रोल कर लेती है और अच्छा इसमें वृद्धि ग्रोथ दिखाती है, तो आप देखेंगे कि ये जो कंपनी फिलहाल अच्छा इससे भी बढ़िया रिजल्ट निकाल के दे सकती है। अगर बात करें आज के चार्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रोसारी बायोटेक का चार्ट दिखाई दे रहा है इसमें लगभग 2% की गिरावट देखी गई है, और जबकि हम आपको बता चुके हैं कि जो 21 का रिजल्ट आया है वो ज़बरदस्त रिजल्ट आया है, एक तरीके से कहा जाए 4 से 5 स्टार रिजल्ट आया है, लेकिन इसमें जो गिरावट आई है फिलहाल ये मेन जो कारण है वो है इसका निफ्टी जो 50 के साथ साथ सेंसेक्स में अच्छी खासी गिरावट का आना। और एक तरीके से कहा जाए तो एक तरफ जहां निफ्टी 50 260 पॉइंट की गिरावट देखी गई है ग्लोबल जो न्यूज़ के कारण, वहीं सेंसेक्स में लगभग 850 पॉइंट की गिरावट देखी गई है। और यही कारण है कि इसमें जो Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिजल्ट है वो ज़बरदस्त आने के बावजूद भी इसमें 2% की गिरावट देखी गई है, और ये अपने शेयर होल्डर को आज लगभग 70.85 रुपये का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 1% का निगेटिव रिटर्न, 1 महीने की बात करें 2% का, 6 महीने की बात करें तो 18% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं एयरटेल रेट की बात करें तो 11% का पॉजिटिव रिटर्न, अगर हम 1 साल की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को 11% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। तो अब आप देखेंगे जैसे ही ये जो निगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट का ख़त्म होगा, ये जो 804 रुपये पर फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है वो और बढ़ता हुआ आप दिखाई देगा और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।